Bande Guru Padadandam Bhakta Bindasamanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha kalpataruvasya kipasindu bevacha patitanang pavunebhyo vaishnavebhyo namo namaha mukhaṃ karoti vācālaṃ paṅguṃ langhayate yat kipātamahaṃ vande paramānanda madhavam brindāvai tulsidevai vai piyāvai kesavasya ca Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naruncaiva Narottamam Deving Sarasvatim Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesh Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksh Jagod Varun Dhyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panutopal Bhavadipotam Bande Mahapurushate Charana Ravindam Yat Pada Pallavanakachanda Manichataya Vispurjita kimapi kapadushvadarshi Purananuragra sasagra saramurti Saradhikamai kada kipam karushi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Siva Sadi Gaura Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro gamala yutaksho Vishambaro dijavaro jugodharma palo Bande jagat priyakaru karuna bhutaro Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Padupankajam Surasurair Bandito Dibbarupam Bhuktin Jamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupen Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangamada Puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Jusho Badane Lakshmi Jasya Cha Bhakshashi Jasyaste Hidaya Sambhi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nimnoganam yatha ganga devanam uchito yatha वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां त्वेदं भागवतं निम्नगानं यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां त्वेदं भागवतं। गौड़ीय गोष्ठीपति जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए 24 घंटा में 24 घंटा हर वक़्त जो हरि भजन में समर्पित आत्मा है वो है गुरु तत्व, वो ही है गुरु। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं 24 घंटा में 24 घंटा हर वक़्त हरि भजन में जो नियोजित आत्मा है, समर्पित आत्मा, इनके नाम है गुरु तत्व। परमहंस गुरु तत्व बड़ा गंभीर है, विशेष करके वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवराज शंभु जो है ये तो परमंश गुरु तत्व है, जिसका बारे में पहले भी कह चुके बहुत बार। बाहरी दृष्टि में शंकर भगवान का आचार आचरण समझना बहुत कठिन है। बाहरी दृष्टि में शंकर भगवान का आचार आचरण अनुभव करना बहुत मुश्किल। श्रील प्रभुपाद कहते हैं फूलों में शहद है, मधु को प्रकाश करना मधुमक्खी का काम है। फूलों में जहर भी है, शायद आपको पता नहीं है। फूलों में जहर भी है, लेकिन ये जहर को प्रकाश करते हैं लूता कीट, एक कीट है। फूलों में शहद है, मधु को प्रकाश करते हैं मधुमक्खी। फूलों में जहर भी है, लेकिन ये जहर को प्रकाशित करता है लूता कीट। मधुमक्खी को मधु संग्रह करने के लिए लूता कीट का सहायता का जरूरी है नहीं, फिर भी कभी कभी बीच में लूता कीट और मधुमक्खी में थोड़ा बहुत लड़ाई भी हो जाता। आश्चर्य की बात है, जो गुरु वैष्णव हर वक़्त जगत का कृपा के लिए, मंगल के लिए, हर वक़्त जगत का जीव का मंगल के लिए हर वक़्त चिंतन करते हैं, हर वक़्त जो शुद्ध गुरु वैष्णव, परमंश गुरु वैष्णव, ये शुद्ध गुरु वैष्णव को भी निंदा करने वाले हैं जगत में। ये हैरान की बात है, किसी का नुकसान नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपना तरफ से जो कुछ भी है तन मन जीवन सब भगवत चरण में समर्पित कर दी, फिर भी ये परमहंस गुरु वैष्णवों का निंदा करने वाले भी हैं जगत में, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे हैं। ये हैरान की बात है। जगत में शंभु वैष्णवानाम यथा शंभु परमहंस गुरु जैसे कृपा करने के लिए जगत को बड़ा हर वक़्त प्रयास पर चेष्टा करते हैं, ये गुरु का काम है। और दखो जैसा निंदुक भी जगत में कम नहीं है। यह हर वक़्त परमंश गुरु वैष्णव का खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या कारण है? गुरु वैष्णव का जो वैष्णवी प्रतिष्ठा है, ये राक्षस असुरों को अच्छा नहीं लगता। दक्ष प्रजापति, दक्ष ये शब्दों का अंग्रेजी माने हैं एफिशिएंट। अब ये प्रश्न किया जाए एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंट किस विषय पे? प्रभुपाद जी ने व्याख्या की ये सांसारिक चीज़ों में बाल बच्चा पैदा करो, अपना सेल्फ इंटरेस्ट को संरक्षण करो, रुपया पैसा का चिंता करो, सेल्फ इंटरेस्ट इसी में बड़ा होशियार है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दक्ष। लेकिन पारमार्थिक विषय में वो टोटली ब्लाइंड। बहुत सारे वैष्णव लोग ये क्वेश्चन करता है, महाराज कैसे समझे, बाहरी दृष्टि में वैष्णव का बेस रहे, तिलक माला रहे, सब कुछ रहे, एक्सटर्नल बिहेवियर भी बहुत सॉफ्ट है, त्रिनादोपी जैसा। एक्चुअल त्रिनादोपी, एक्चुअल त्रिनादोपी और त्रिनादोपी जैसा, ये दोनों में आसमान और जमीन का जो पार्थक्य है ये भी नहीं है, इन्फिनिटी पार्थक्य है। कैसे समझे इसका बारे में प्रभुपाद जी चर्चा की है। जब बाहरी दृष्टि में ये देखोगे तिलक माला है, आचार्य का बेस है, सब कुछ है। प्रभुपाद कह रहे हैं ध्यान ध्यान से देखना, ये गुरु वैष्णव का शुद्ध सिद्धांत तो विचार आचार आदर्शों के खिलाफ है। ध्यान से, बहुत ध्यान देके विचार करना, इसका करेक्टर सब देखना। देखोगे, गहरा विचार करोगे तो देखोगे ये शुद्ध गुरु वैष्णव का आचरण का सिद्धांत तो विचार का विरुद्ध है, तब पता चलेगा। और एक विचार है जो हर वक्त भगवान का नाम धाम सब सेवा में हर वक्त जुड़े हुए हैं, तमाम जगत का मंगल के लिए जिसका जीवन जिंदगी भगवत चरण में समर्पित आत्मा है, ये शुद्ध वैष्णव है। बिल्कुल भी प्रतिष्ठा का कोई विषय नहीं है। अब परमहंस गुरु वैष्णवानम यथा संभु, जिनके बारे में तमाम दुनिया का आदमी किसी भी हालत से या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शंकर भगवान को थोड़ा बहुत दिखाता है, शंकर भगवान का प्रति थोड़ा प्यार दिखाता है, यहाँ तक कि असुर लोग भी दिखाता है। और जो शुद्ध गुरु वैष्णव है तो करेगा ही, जैसे सनातन गोसाई पाद वृंदावन मणिपति जय सोमो सोमो मूल्य सानंद सनातन नारदिड्डो बुरजो विलास जुगांग जुगांगिंग पद्म है जो श्लोक है। सनातन गोसाई जी हर वक्त रोजाना गोपेश्वर महादेव को पानी देते थे, पानी बेलपत्ता। अब सनातन गोसाई बुढ़ापा में गोपेश्वर महादेव सपने में आए और कहे तुमको रोजाना आने का जरूरत नहीं। सनातन कहे नहीं, हम रोज ही आएंगे, रोज ही आएंगे। तब तो ठाकुर जी कृपा करके, गोपेश्वर महादेव कृपा करके बनखंडी आधा रास्ता, मदन मोहन से आधा रास्ता बनखंडी, बनखंडी से आधा रास्ता गोपेश्वर महादेव, जो भी है। प्रतिष्ठा का विषय कोई गंदगी नहीं है शंकर भगवान का अंदर में। शंकर भगवान का अट्रैक्शन इसलिए है, इनके जो वैराग्य है, भगवान शंकर शंभू भगवान का जो वैराग्य है, इसका बारे में तमाम दुनिया सोचते हैं कि भोले बाबा का कितना वैराग्य है, कितना डिटैचमेंट है। क्योंकि दुनिया का आदमी या तो डिटैचमेंट या तो अटैच, भोग और त्याग, ये तमाम दुनिया का आदमी जो है या तो भोग या तो त्याग, दोनों में एक विचार रखता है। युक्तो वैराग्यों के बारे में कुछ विचार नहीं है। इसीलिए शंकर भगवान के लिए लोगों का थोड़ा ना जाने कैसा श्रद्धा, उस लोगों का श्रद्धा भी है। और जो वैष्णव संप्रदाय इनके भी भाई शंकर भगवान के लिए तो श्रद्धा होगा ही होगा। अब ये लोगों का विचार कुछ अलग है, हम लोगों का विचार कुछ अलग है। वैष्णव लोगों का विचार और असुर लोगों का विचार में अंतर है, बहुत अंतर है। परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिव तत्व का कितना गहरा विचार दिखाया। हमारा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने शिव तत्व का बारे में कितना कितना प्यार दिखाया, हैरान करने वाला बात है। जब नवद्वीप लीला में गौरंग महाप्रभु का लीला विचार करो, चैतन्य भागवत में है, कदाचित एक शिव भक्तों घर में आए तो महाप्रभु इनके कांधे पे चढ़ पर नृत्य किया, डुमरू बजाया, आनंद से उछल पड़े। और ये चैतन्य महाप्रभु आगे चलकर वाराणसी क्षेत्रों में विश्वेश्वर भगवान को दर्शन करने के लिए रोजाना गंगा नहा के विश्वेश्वर दर्शन के लिए जाते थे। है चैतन्य चरितामृत में भी है, रोजाना महाप्रभु जाते थे, रोज पानी देते थे, प्यार करते थे, गले लगाते थे। अब आदमी तो बाहर का आदमी देखते थे, क्या बात है, समझ में नहीं आते। इतना ही नहीं, जब श्रीमान महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, दक्षिण भारत में श्री शैलो बोल के एक शैलो है दक्षिण भारत में, श्री शैलो, इस श्री शैलो में शंकर भगवान और पार्वती मैया ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप में उदार विराजमान है। और हमारा चैतन्य महाप्रभु ये श्री शैलो में चढ़कर इन लोगों का दर्शन की, या तो दर्शन दी, दर्शन की, शंकर भगवान के साथ बैठ के दोस्त जैसा एक याराना कैसा है, बहुत अंतर का प्रेम प्रीति का विनिमय किए हैं, कृष्ण तत्व का चर्चा किया है, गले लगाकर देवी मैया का हाथ में भोजन की, ये सब सारे तत्व आता है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर में है या तो नॉर्थ इंडिया टूर में, जहाँ भी गया हर जगह देखो, हर जगह देखो, जहाँ जहाँ, या तो उड़ीसा का रास्ते में गया, या तो वृंदावन का रास्ते में गया, या तो दक्षिण भारत का रास्ते में गया, हर वक्त जहाँ जहाँ शंकर भगवान का मूर्ति आया, रामेश्वरम से लेके ज्योतिर्लिंगों, जहाँ जहाँ है तमाम दर्शन किए, प्रेम से पानी दिए। क्या कारण है, व्हाट कैन बी द एक्चुअल रीज़न? जबकि हमको जानकारी है श्रीमद् भागवत जी महापुराण में दक्ष प्रजापति का प्रसंग बड़ा पेनफुल प्रसंग है, फिर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि शंकर भगवान को ये इतना नफरत करते थे, क्यों? वैष्णवानाम यथा शंभु निम्नगानाम यथा गंगा बताया। जितना नदियां हैं इनमें गंगा का महिमा ऊपर है सबसे। यमुना का तो कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यमुना गोलोक वृंदावन का संपत्ति। कहने का मतलब है इतना नफरत क्यों किया, वो हमने चर्चा किया पहले, प्रभुपाद ने बताया। शुद्ध गुरु वैष्णव का जो वैष्णवी प्रतिष्ठा है, ये असुर लोगों के लिए, राक्षस लोगों के लिए सहन नहीं होता बिल्कुल। इसीलिए ये लोग टूट पड़ते हैं, निंदा, चुगली, लड़ाई, गाली, शाप इसे देते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँ कि जब दक्ष प्रजापति का ऐसा घटिया बिहेवियर शंकर भगवान का, और शंकर भगवान ने गुस्सा नहीं दिखाया। जब नंदिया जवाब दिया उल्टा शाप दिया, शाप प्रतिशाप। शंकर भगवान ने किंग किंग किंचित विमोना इवो, किंग लिखा है विमोना इवो, इवो मतलब इसके द्वारा, इवो शब्दों के द्वारा ये सपोर्ट किया है। ऐसा मत सोचो वहाँ जो गाली गलौज चल रहा था, शाप प्रतिशाप चल रहा था, इसमें शंकर भगवान कुछ डिस्टर्बेंस फील रहा था, टेंशन फील रहा था, ऐसा नहीं। तो अगर ऐसा होता तो विमोना ईबो ये शब्दों नहीं यूज। शंकर भगवान वहाँ से क्यों चले गए? सभा का बीच में जो इतना गाली गलौज चल रहा था, शंकर भगवान ने शाप प्रतिशाप को देखा और शंकर भगवान ने चुपके से उठकर चल दी। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने विचार किया तो एक दक्ष प्रजापति सांप दिया, चलो ठीक है सहन कर लिए वैष्णव राज। इसके बाद दक्ष हमारा नंदिया वो भी शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा मालिक को, हमारा प्रभु को गाली दे, ये नियम है। प्रभु को अगर गाली दे इसका मुंह तोड़ जवाब देना उचित है। तो नंदिया ने जवाब दी, गाली दी, नंदिया में भी सांप दी। इससे भृगु महाराज बड़ा गुस्से में आके वो भी सांप दे दिए। तो ऐसा हालत पैदा हो गया। शंकर भगवान ने सोचा यह भाई साधु में गाली गलौज उचित नहीं है, उठ के चल दिए। इसके बाद जो स्थिति पैदा हुआ, स्थिति क्या हुआ? पहले शंकर भगवान चले गए, शंकर भगवान वहाँ से चले गए। इसका बाद जो साफ हुआ, उसका बाद तो दक्ष यज्ञो बाद में आगे चलकर देखे तो विचार करे, दक्ष यज्ञो पूरा ध्वंस हो गया। शंकर भगवान ने कराया, क्योंकि नारद जी जब इन्फॉर्मेशन खबर दी कि आपका पत्नी शरीर छोड़ दी, आपका निंदा हो रहा था, उधर शंकर भगवान ने अपना जटा को उखाड़कर फेंके। और आप जानते ही हो वीरभद्र बोल के वो गया, सारे सत्यानाश हो गया बीच में बहुत सारे। अभी ये जो शंकर भगवान गुस्सा दिखाया, वैष्णव का तो कोई गुस्सा नहीं होता, वैष्णवों का कोई गुस्सा नहीं होता, चाहे मारने के लिए भी आए, जराभरत को काटने के लिए आए, फिर भी गुस्सा नहीं दिखाए और प्रतिवाद भी नहीं की। वैष्णव का ये है, शरणागति है, कृष्ण के शरण है, चाहे भगवान किसी से हमको कुछ भी करवाए। ये ठाकुर जी का है, तत्व अनुकंपम सुसमीक्ष मानम भुंजान आत्मकितो विपाकम, ऐसा विचार है। अब ये जो शंकर भगवान जो है, शंकर भगवान ने थोड़ा गुस्सा दिखाया, दक्षो यज्ञ ध्वंस हुआ। बाद में ब्रह्मा को लेकर सब देवकुल सब गया, प्रार्थना किया। दो एक शब्दों में कह दूं, वहाँ शंकर भगवान ने कह दी, जब ब्रह्मा ने कहा देखो आपको क्षमा करना चाहिए, देखो आप ये तो अज्ञान है, ये तो अज्ञान अंधेरा में है, आपको थोड़ा क्षमा करना चाहिए, आप अगर ना क्षमा करो। शंकर भगवान ने बताया अरे क्षमा करना तो दूध की बात है, मैंने इसका दोष का चिंतन भी नहीं करता हूँ। ये बात लिखा हुआ है भागवत में, इसका ये जो अज्ञान में है मैं जानता हूँ, ये अज्ञान में है मेरे को जानकारी है, मैं जानता हूँ, फिर भी मेरे को जानकारी है, अज्ञान में है। गुस्सा तो दूर की बात है, मैं गुस्सा का बारे में हृदय में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि शिव 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 शंकर ये शब्दों का माने है मंगल, शंकरोतीत शंकर, और शिव का मतलब मंगलमय है, ये कभी अमंगल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फिर भी बाहरी विचार में देखा जाए शंकर भगवान थोड़ा गुस्सा दिखाया है, इसका बारे में शंकर भगवान जवाब दी मैं ये सब अज्ञान अंधेरा में डूबे हुए हैं, इन लोगों का प्रति मेरा गुस्सा तो दूर की बात है, मैं सोचता ही भी नहीं हूँ। सोचने का बाहर है। फिर भी मैंने जो दंड धारण किया ये जगत को शिक्षा देने के लिए, शंकर भगवान ने बोला हुआ, उधर लिखा हुआ है। मैं जगतवासी को थोड़ा शिक्षा देने के लिए मजबूर हूँ, ये दिखाया ऐसा करके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी ने विचार बताया जे क्यों ऐसा होता है। वैष्णव त्रिगुणातीत वस्तु है, लेकिन फिर भी शंकर भगवान का बारे में चर्चा करो। जैसे देवी मैया का बारे में आपको जानकारी है, एक ही पौड़ा माँ, पौड़ा माँ हमारा सामने, पौड़ा पौड़ा माँ, पौड़ा माँ मैंने ज्ञानदायिनी माँ। और बाजार का आदमी अगर जाए तो माँ क्या करती है, अपना भवानी मूर्ति प्रकट करती है ना। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व जस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम पी जस्व चेष्टेषा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। एक ही देवी असुर लोगों का सामने अपना भवानी देवी, अपना माया देवी अपना स्वरूप को प्रकट करती है। और जब वैष्णव लोग पहुँचते हैं तब कुलो देवी जोग माया मोरे कृपा कोरी आवरण संगबरी वे तुम्हें विश्वधरी सुने छी आगम वेदे महिमा तुम्हार श्रीकृष्ण विमुख धरी कराओ संसार श्रीकृष्ण सन्मुख जार भाग्य को में है तारे मुक्ति दिया करो अशोक अभय निष्कपटे होए माता आमा पाने चाहो। ये भक्तिवें ठाकुर जी ने लिखा है। इसमें क्लियर कर दिया साफा, एक ही देवी कैन एक्सप्रेस शैडो। एक ही देवी जब असुर लोग आएगा, समाज का आदमी आएगा, इनके सामने अपना छाया महामाया प्रकट करे, और वैष्णव लोग आए तो उसमें जोगो माया का स्वरूप प्रकट करे। ये नियम है। और ये शंकर भगवान के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताया। देखो ऐसा है, शंकर भगवान तमगुण का अधिष्ठात्री देवता, शंकर भगवान जी तमगुण का अधिष्ठात्री देवता, ये भूलना नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण का अधिष्ठात्री देवता, ये भूलना नहीं। कोई अगर गाली दे ब्रह्मा जी ने फलाना किया, ये किया, वो किया, फलाना किया, इनके लिए अपराध है। क्योंकि हमारा पूर्व गुरुवर्गों में ब्रह्मा जी का नाम आता है, ब्रह्मा जी का नाम आता है। कोई तो इतना तक कहे ये आचार्य, मैंने साबित प्रमाण दे सकता, आचार्य लोग कोई ज्ञान नहीं है, इतना अज्ञान है। ब्रह्मा जी के बारे में गाली दे दिया, बहुत गाली, बहुत गाली, भले अपना है ना, बहुत सारे दोष दिखाया ब्रह्मा जी का। और कोई तो ऐसा कहे कि ब्रह्मा जी का रस तत्व में कोई अधिकार नहीं है, मैंने सुबह में चर्चा किया। जबकि ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान इसका संस्कार किया, द्विज संस्कार लिखा है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में ये भी लिखा हुआ है, काम गायत्री काम बीज ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं दिया। अज्ञान अंधेरा में रहते हुए ये सब विचार करना संभव नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को काम गायत्री दे दिया तो इसका मतलब इसका रसतत्व तो नहीं है, कैसे है? क्योंकि चैतन्य चैतामृत तो है, चैतन्य चैतामृत तो में लिखा हुआ है, काम गायत्री काम बीजे जार आराधन। जितना भी को प्रयास प्रचेष्टा करो, आप भगवान श्री कृष्ण का भजन करना संभव नहीं है। मैक्सिमम यू कैन गो अप टू नारायण, लक्ष्मी नारायण मैक्सिमम। यदि अगर प्योरिटी आपका बहुत है, बहुत सारे वैराग्य सब कुछ है, फिर भी आप मैक्सिमम राधा है ना, राधा कृष्ण तब जा नहीं पाओगे, मुश्किल है। कब जा पाओगे ये भी हम बता दें, भगवान का कृपा, प्रभुपाद का कृपा से लक्ष्मी नारायण तब जा सकोगे। क्योंकि अंतर में ऐश्वर्य भाव आदि प्रेम की अभाव के कारण गुरुजी अक्सर कहते थे बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। कुछ भी कर लो, मंत्र तंत्र षडयंत्र कर लो, बहुत तपस्या आदि, लेकिन नंदलाला मिलना संभव नहीं। एकमात्र ब्रजवासी का अनुगत्य में अगर आप भगवान का भजन करो, आगे चलकर आप राधा गोविंद का जो विलास है, राधा गोविंद जी को प्यार कर सके, इसका पहले नहीं, बहुत मुश्किल है, ये असंभव है। बोलना बहुत इजी है, लेकिन रूपानुग भजन में प्रतिष्ठित या तो रागानुग भजन में प्रतिष्ठित होना, ये इतना दूर की बात है कि ब्रजवासियों का जो कीर्तन है, ये मैं हंसते रहता हूँ, ब्रजवासियों का कीर्तन है, ब्रजधाम में अक्सर होते रहते, बड़ी दूर नागरी गोकुल नागरी ये लोग गाते रहते। सचमुच वाकई ही इतना दूर है, ये भगवान का चरण में पहुंचाना, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का प्यार करना, इसीलिए हमारा सदाशिव तत्वों का बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितना सारे आचार्य हैं हमारा, भागवत में पुराण में जहाँ जहाँ देखो देखोगे हर वक़्त ये बात आएगा, शंकर उवाच, शंकर उवाच, श्री नारद उवाच, मैक्सिमम, मतलब हर वक़्त शंकर भगवान, नारद जी, ये सब परमहंस गुरुवर्ग हर वक़्त सिद्धांत तो विचार कहते रहते हैं, कीपा बरसते रहते हैं, कीपा का वर्षा है। शंकर भगवान का इतना दया है कि कह नहीं सकते। अब ये प्रश्न आता है, जो इल्जाम लगाता है शंकर भगवान तमगुनी हैं, गांजा चरस सब पीते हैं, ये सब इनके जो भक्त लोग हैं, ये झूठा इल्जाम है, ये साबित करना जरूरी है। सबसे पहले बात दरअसल ये है, भगवान शंकर तमगुण का अधिष्ठात्री देव, तमगुण का अधिष्ठात्री देवता का फंक्शन काम निभा रहा है। इसीलिए ये जो पुलिस का वर्दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वर्दी, पुलिस का वर्दी, वकील का वर्दी पहन लो, तो आप जितना भी बड़ा वैष्णव हो, आप जगह कचौरी में जाओगे तो आपको अपना लाइन से हिसाब से काम करना पड़ेगा। जब भी अंदर में दया है, फिर भी जज डेथ सेंटेंस लिखता है कि नहीं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर 20 किसान को पनिशमेंट दिया, कितना बड़ा वैष्णव, भगवान का निजी जन, फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने 20 किसान को पनिशमेंट दिया। शंकर भगवान परमहंस वैष्णव, इसमें कोई शक नहीं है, फिर भी जैसे ये तमगुण का वर्दी पहन के जगत में तमगुण का जो उथल पथल हो रहा है, इसका कंट्रोलिंग, और अंतिम में जाकर ये जो ध्वंस, इसको ये जो ध्वंस करना, इसका लिए तो सेवा प्राप्त हुआ है। अब भगवान शंकर क्या करे, ये सेवा दिया गया इनको, इसीलिए शंकर भगवान को ऐसा करना पड़ता। और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा है, जब भी ये परमहंस वैष्णव है, फिर भी तमगुण का अधिष्ठात्री देवता का नाटक कर रहा है, लीला कर रहा है। इसीलिए ये क्रोध का जो बहाना है, ये दिखाता है जगत को, ये दिखाता है गुण। ऐसे जो सदाशिव तत्व है, ये हर वक़्त गुणातीत तो वस्तु है। सदाशिव तत्व का बारे में अद्वैत गोसाई का आविर्भाव तिथि में बताया, महाविष्णु जगतकर्ता माया जो सृजति अदह तस्यावतारो एव अयम अद्वैताचार्य ईश्वर। महाविष्णु से अभिन्न है। ब्रह्मसंहिता में लिखा हुआ है, देवी महेश धाम हैं धाम तेषु तेषु ते थे प्रभाव निचया विहिताश्च जैनो। ये देवी धाम है, महेश धाम है, ऊपर ऊपर चलो जाते जाते फिर ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मलोक, उसका बाद फिर विरजा नदी परे, विरजा नदी को धीरे धीरे पेनिट्रेट, विरजा, ये विरजा, ये नदी का नाम विरजा क्यों पड़ गया? द विरजा, विगत रजा, जीवों का अल्टीमेटली जितना सारे डस्ट पार्टिकल, मैला, जितना सारे मैल है विषय का, अल्टीमेटली विरजा नदी में वाश करके उसको धुलाकर साफा करके फिर ऊपर भेजो। आई बात समझ में? विरजा, विरजा पार करके आपको इम्पर्सनल ब्रह्म इफालजन, मतलब निर्विशेष ब्रह्म मिलेगा, ब्रह्म ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति भगवान का अंग कांति है, ब्रह्म का ये जो भगवान का अंग ज्योति है, इसके बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया सब कुछ। फिर ये जो ब्रह्म ज्योति को पेनिट्रेट करके ऊपर जाओ तो यह सदाशिव लोग मिलेगा। सदाशिव, ये सदाशिव लोग जो है ये विष्णु तत्व है, भगवान विष्णु का साथ, महाविष्णु का साथ अभिन्न तत्व होते हुए भी सदाशिव तत्व एक स्पेशलिटी है। इस शिव तत्व का थोड़ा स्पेशलिटी चर्चा करना जरूरी है। ये सदाशिव तत्व क्या है? दो शब्दों हम कह देंगे। एक है गीता में बताया गया, भगवान कह रहे हैं मायाधक्षेन प्रकृति श्वेते चराचरम। गीता में भगवान कह रहे हैं, गीता में मायाधक्षेन प्रकृति श्वेते चराचरम, अंडर माई प्रिंसिपलशिप प्रकृति, द नेचर, है ना, अपना प्रोशोप करती है, तमाम अपना पूर्व कर्मफल के अनुसार तमाम जीवात्मा अपना अपना संस्कार लेकर नया नया जन्म लेता है, मोटा शरीर ग्रॉस बॉडी और शटल बॉडी लेकर। इससे कोई छुटकारा है नहीं। कहने का मतलब है ये सदाशिव तो खीर क्या है? अगर महाविष्णु अपना इक्षण के द्वारा प्रकृति का गर्भ में अपना बीर्जो आधान कर देता है तो फिर सदाशिव क्या करे? सदाशिव का क्या फंक्शन है? ये बीर्जो आधान महाविष्णु जब देखे प्रकृति का ओर, माया का ओर देखने का साथ साथ, माया का साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तुरिया वस्तु, फिर भी दर्शन करने के साथ साथ जितना सारे इन्फिनिटी जीवात्मा है पूर्व कल्पों में महाविष्णु का अंदर में अपेक्षा कर रहे थे। अब महाविष्णु का अंदर में इसमें भी एक डाउट पैदा होगा, महाराज सारे बद्ध जीव महाविष्णु का अंदर में कैसे हो सकता? अगर महाविष्णु का अंदर में है तो उसका तो मालामाल हो जाएगा। इसका भी उत्तर है लेकिन समय नहीं है बोलने का। जितना सारे जीव एक प्रकृति का पूरा हमारा सृष्टि का ध्वंस होने का बाद पूर्व कल्पों का जितना सारे जीव ये महाविष्णु में समा जाते हैं, जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में है ना, जिसैक निशेषितो काल मथावलम्बो जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर महानस इहो जस्सु कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये गोविंद सब निश्वास के साथ बाहर आए सृष्टि और निश्वास और प्रश्वास के साथ ऐसा गोतागति होता है सृष्टि का प्रकाश और अंदर जाना, एक्सिलेशन एनिहिलेशन ऐसे। अब जीवों का, अनंत जीवों का महाविष्णु का अंदर रहना ये कैसा होता है? कैसे नहीं होगा? जैसे चतुश्लोकी भागवत में बताया गया, प्रविष्टान्न प्रविष्टानी, ये जो लिखा हुआ है ना चतुश्लोकी भाग, रीते अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मानि तद्विद्वत् आत्मानमयम् यथावासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि उच्चावचिषोनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। आमी तो जगते बसी जगत आमाते, ना आमी जगते बसी ना जगत आमाते। क्या बात है? ये क्या बात है? आमी तो भगवान कह रहे हैं चैतन्य चैतन्य में, और उदाहरण भी है चतुश्लोकी का। भगवान कहते हैं मैं जगत का कण कण में उपस्थित हूँ, एक एक धूलिकण में, बट स्टिल आई एम नॉट देयर। ये क्या माने हैं? ये कोई समझ में आएगा? ये दिमाग लगा के ये सरा हुआ दिमाग को लगा के समझ सकेगा कोई आदमी? असंभव है। भगवान ने गीता में बताया, देखो ये मेरा अचिंत्य शक्ति है, ये मेरा अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य शक्ति के द्वारा संभव है। एट द सेम टाइम आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी डस्ट पार्टिकल यू कैन गेट, वेयर नॉट एवरीवेयर, हर जगह कण कण में। एट द सेम टाइम भगवान कह रहे हैं आमी तो जगते बसी जगत आमाते ना, आमी जगते बसी ना जगत आमाते, मैं जगत का अंदर में नहीं हूँ, जगत भी मेरा अंदर में। क्या बात है! इस बारे में कभी अगर समय हो तो चर्चा हो पाएगा। आज वाइटल कुछ चीज़ चर्चा करना जरूरी है। समय बहुत थोड़ी सी समय में ये सब चर्चा होता नहीं, गंभीर तत्व है। अब ये शंकर भगवान का बारे में विश्वनाथ चकोतिवाद बताएं, ये बड़ा गंभीर तत्व है। पहला बात ये है कि शंकर तत्व क्या कभी कभी विचार देखा जाता है, लिखा हुआ है शास्त्रों में। ये जो डिस्ट्रैक्शन ध्वंसों का काम है, ये ध्वंसों का काम शंकर का है। और भगवान अपना निजीजन, अपना प्रियो, अपना दोस्त, ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्यारा दोस्त है। भगवान ने शंकर को दोस्त माना, दोस्त अपना। इसीलिए शंकर भगवान से बहुत सारे टिपिकल टास्क, बहुत गंभीर विषय किसी को भगवान देते नहीं। किसी ने अगर मेरा पास प्रश्न करे तो महाराज हमको पोहपात प्यार करता है कि नहीं, गुरुवर को प्यार करता है कि नहीं, मैं कैसे समझूं? अगर कोई ये प्रश्न करे कि महाराज मैं कैसे समझूं कि मेरा गुरुवर्गो, हमारा प्रभुपाद, हमारा भक्तिवेद ठाकुर, केशव गोस्वामी महाराज मेरे को प्यार कर रहा है, बामन गोस्वामी महाराज, कैसे समझे? वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे समझे? जब देखोगे ये गुरुवर्गो आपको सेवा देता है, बार बार सेवा, बहुत सेवा, सेवा का टाइम नहीं है फिर भी सेवा दे, और करो और करो, तब सोचोगे आपका ऊपर प्यार है। सेवा देने से दुखी मत होना। इसीलिए शंकर भगवान को कृष्ण भगवान इतना सेवा देते हैं, अपना प्यारा दोस्त है, इसीलिए सेवा देते रहते हैं, इतना सेवा देते रहते हैं शंकर भगवान, है ना। बृहद भगवतामृतों में हमने चर्चा भी किया, जो भी है छोड़ो, इस चर्चा में आएंगे। बड़ा गंभीर बृहद भगवतामृतों में जब नारद जी कह रहे हैं कि आप तो कृपा पात्र है भगवान का, इतना कृपा तो किसी को भी नहीं मिला, शंकर भगवान ने गुस्से में आके क्या कह रहे हो बकवास, मैंने कैसे कृपा प्राप्त की ना। पहला बात यह है भगवान मेरा ऊपर कृपा किया कैसे, कैसे समझोगे? भगवान हमको तमोगुण का अधिष्ठाती देवता बना दिया, अब ये काम संभालो, ये दुखी हो मैं क्या करे, ये करना पड़ता है। भगवान ने हमको एंगेज किया, सेवा में सेवा दिया। फिर आगे चल के हमको बताया देखो ये असुर स्वभाव का आदमी मेरा सामने ना आए, तो बस ये काम करो आप जगत में जाओ शंकराचार्य के रूप में, अब जाके मायावादी भाष्यों को आप प्रकाशित करो कि असुर लोग ये मायावादी भाष्यों सुनकर उस तरफ चले जाए, क्योंकि भक्ति सुदुर्लभ वस्तु है, ये देने के लिए तैयार नहीं। आज शंकर भगवान, नारद जी, तमाम शास्त्रों का विचार देखना, हर जगह प्रमाण है। शंकर भगवान प्रोचेतागण को कृपा किया, इसको कृपा किया, उसको कृपा, कितना कृपा किया शंकर भगवान और नारद जी दोनों, ये आचार्यों कितना कृपा किया। अब ये प्रश्न आता है बाहरी दृष्टि में जो बेस बना के भगवान रखा है, ये चमत्कार है, इच्छा करके ऐसा बेस बना के रखा है कि दक्ष प्रजापति जैसा बदमाश, मक्कार, ये लोग का निंदा करने का अधिकार, एक निंदा करना शुरू कर दे। ये मसान में रहता है, कोई शौचाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है, ये सारे लोकाचार का बाहर है। गाली दिया शंकर भगवान ने इसका उत्तर भी दिया। जब पार्वती मैया ने विनती किए जब मेरा पिताजी एक बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, अब चलो जाए, शंकर भगवान तो हमको निमंत्रण नहीं किया। पार्वती मैया ने कही जो बिना निमंत्रण गुरु का घर में, पिता के घर में, दोस्तों का घर में तो जाया जाए। शंकर भगवान हाँ जावा जाए, लेकिन अगर ऐसा मापिक विद्वेश, ऐसा मापिक अगर विद्वेश ना है, ऐसा मापिक अगर विद्वेश ना होता तो जाने का फैसला करता। अब जाना संभव नहीं। देवी मैया ने बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे चर्चा की इस विषय में। बोले आप तो अभव है, आपका तो जन्म नहीं है। बाकी शंकर भगवान का बाहरी दृष्टि में पिता माता से जन्म होता ऐसा नहीं है। तो देवी मैया ने शिकायत की आपका तो कोई जन्म नहीं है, आप पिता माता का प्यार क्या है, भाई बंधु का प्यार क्या आप कैसे समझोगे। मेरा दिल खींच रहा है, हम जाने के लिए इच्छा हो रही, क्या करें मैं, क्या करें, आप तो अभव हो, आपका तो जन्म नहीं है, आपका पिता माता नहीं है, आप कैसे समझोगे। और एक बात, अगर सोचो कि अब विदेश किया, आपका नाम तो नीलकंठ है, ये नीलकंठ नाम देवी जी ने उठाया, उठाई किस लिए उठाई कि नीलकंठ शब्दों के द्वारा शंकर भगवान को याद दिलाना चाहिए, ये आपका नाम नीलकंठ है, याद करके देखना। जब सृष्टि का प्रारंभ में जब सागर, खीर सागर का मंथन हुई और उसमें जो जहर निकला, भगवान का इच्छा के अनुसार आपने पान की। क्यों पान की? क्योंकि आप तमाम जगत को कृपा करने के लिए तैयार है। ऐसा आपका मापिक कोई दयालु नहीं है। आपने इतना कालकूट विष को भी ऐसा करके जहर को पान कर लिया ना। तो इसीलिए देवी मैया ने इस विचार के द्वारा बोलने के लिए खड़ी हो गई कि आपका नाम नीलकंठ है, चलो आप इतना कृपा किया जगत समाज को, नहीं तो जगत समाज तो मर जाता, ये रहने का कोई, लेकिन आपने कृपा करके जहर को पान कर लिया और पान करके जगतवासी को बचाया, तो आपका कृपा कहाँ नहीं है, हर जगह है। आपका कृपा तो है ही है, आपका कृपा छोड़ के कौन बचेगा बोलो। तो आपको तो ये, और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण, शंकर भगवान परमहंसो, इनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल हर वक्त विराजमान है, हर वक्त विराजमान है। इसीलिए इच्छा करके शंकर भगवान ने इस जहर को, कालकूट विष को पान की लेकिन इसको पान की मतलब मुंह से पान किया, लेकिन इतना तक ये जहर को अंदर नहीं जाने दी। ये जो जहर पान की, जहर को अंदर नहीं जाने दी। क्यों? शंकर भगवान ने सोचा मेरा हृदय में भगवान विराजमान है, अगर ये जहर का जलन अगर जाए तो उचित नहीं है। इसलिए शंकर भगवान पान कर ली, लेकिन ये कंठो इधर से इधर तक हृदय में पहुंचने नहीं दी, इसलिए इनका नाम नीलकंठ है, नीलकंठ नाम पड़ गया भगवान। और विचार ये बनता है जो सदाशिव है, हमारा सदाशिव लोक में ये तो, ये सदाशिव जो है ये तो विष्णु तत्व तो हमने बताया, चर्चा करते हुए हमने बताया जे व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ सदाशिव, ये महत्त्व तो का चर्चा करो, इसका महत्त्व तो से कैसे कैसे डिवीजन होते हैं, सृष्टि का रचना है, बहुत गंभीर तत्व, ये दो शब्दों में कहने का विषय नहीं है। फिर भी मैं इस बात को उठाना चाहूँ क्योंकि ये जरूरी है। सदाशिव जी महाराज जो वैकुंठ जगत में विराजमान है और हमारा महाविष्णु जो है एक दूसरे से अभिन्न है। महाविष्णु इक्खन करता है मतलब दृष्टि, मायाध्यक्षेन प्रकृति श्वेते चराचरम इक्खन। और महाविष्णु जब मायादेवी का ओर दृष्टि डालता है अनंत जीव राशि मायादेवी के गर्भ में आधान हो जाता है, ये हो गया। और महाविष्णु जब मायादेवी का ओर देखे, अब ब्रांच लाइक ए ब्रांचेस ऑफ लाइट, जब भी जीवात्मा को लाइट का साथ तुलना नहीं किया जाए हर हालत में, ये तुलना उचित नहीं है। फिर भी वेदांतों में दिया गया उदाहरण, वेदांतों में ऐसा बताया गया, वेदांतों में आत्मा कैसा है कैसे समझे, दिखाओगे मेरे को आत्मा कैसा है? लिखा हुआ है वेदांत सूत्र में, गुणात आलोकवत क्वालिटेटिवली जस्ट लाइक लाइट क्वांटम, क्वालिटेटिवली लाइक, लेकिन लाइट नहीं है, लाइट का मापिक चिन्मय वस्तु है, लाइट बिल्कुल नहीं है, लाइट का मापिक, लाइट का मापिक मतलब लाइट नहीं है, लाइट से तुलना किया हुआ है, गुणात आलोकवत। तो ये जो गुणात आलोकवत महाविष्णु ने मायादेवी का और जो देखा, और जितना सारे पहले कल्प का जितना सारे तमाम जीवराशि माया का गर्भ में संचारित कर दिए। At that time, a branches of light coming, जैसे कि एक beam of light, a beam of light coming, a beam of light जो coming, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग बन के रह गया। आई बात समझ में? द्वादश ज्योतिर्लिंग जो बताया, ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग ऐसे आया, ये भगवान जो द्वादश, ब्रह्म संहिता में इसका बहुत सुंदर विचार है, लेकिन समय नहीं है। शंभु तत्व का, ज्योतिर्लिंगों का, ये जो शंभु तत्व का ऐसा सुंदर विचार है। और देखने का साथ साथ ये ज्योतिर्लिंगो, ये लिंगो भक्तिविनोद ठाकुर ने व्याख्या में बताया, ये जो जोनी लिंगो ये सब खराब मत समझो, ये आवाज़ समझो कि कैसा घटिया बात कर रहा है, ऐसा मत कहो। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला ये बात जरूरी है, ये एक तत्व का हिसाब से, ये तत्वों का हिसाब से हमको बोलना पड़ता है। जोनी लिंगो ये सब, ये तो खराब बात नहीं है, लेकिन ये तत्व सिद्धांत तो बोलने के लिए जरूरी है। जो भी है खैर छोड़ो, अभी बात आता है ये जो महाविष्णु है, महाविष्णु अभिन्न शिव तत्व, शिव जी महाराज क्या करता है? ये सदाशिव बोला शिव जी महाराज इज द सप्लायर ऑफ ऑल इन्ग्रीडियंट्स। कुछ चीज़ बनाने के लिए जब मसाला चाहिए, आई बात समझ में? जल्दी समझने का कोशिश कीजिए। कोई चीज़ बनाने के लिए एक उद्योग होनी चाहिए, फाइन मूड, और इन एक्शन कुछ करने जाए तो, कुछ चीज़ बनाने जाए तो उसका लिए मैटर जरूरी है, मैटर। जैसे मकड़ी अपना मुख से नेटवर्क विस्तार करता है, बाहर से किसी जगह से लाता नहीं। ध्यान दे इस विचार कर, ये विचार ना समझे तो पूरा गलती रह जाएगी। जैसे मकड़ी अपना मुंह से लाला निकालता है और निकाल के पूरा नेटवर्क बनाता है, और इसके बाद अपना काम समाप्त होने के बाद ये नेटवर्क जो है, ये जो नेट है, नेट जो अपना जवान अपना मुंह से निकाला है, इसको फिर से खा लेता है। आई बात समझ में? जैसे ये मुंह से बनाया, मुंह का जो लाला है, लाला से बनाया पूरा, और काम खत्म होने के बाद उसको फिर से अपना अंदर में हड़प लेते हैं। ये कैसे है? इसका बारे में गजेंद्र मोक्षन का एक श्लोक मैं बताऊं। यह लिखा है, आपने अगर संस्कृत पढ़ा है या तो बांग्ला हिंदी पढ़ा है, इसमें देखोगे व्याकरण में आता है केस एंडिंग, कारक विभक्ति। ये कारक विभक्ति में किस लिए, क्यों, कहाँ, कौन, ये सब जो केस एंडिंग है, केस एंडिंग, इसका बारे में भागवत जी महापुराण में गजेंद्र मोक्षन का चैप्टर में इधर लिखा हुआ है, यत्रो जेनो यतो यशो यस्मै यद यथा यदा, यत्रो जेनो यतो यशो यस्मै यद यथा यदा। क्या मैं, किस लिए, कौन, कहाँ से, किस प्रकार से, ये सारे जो उत्तर है ये देखोगे, इसका आंसर निकालोगे, सब अल्टीमेटली जाके क्या होगा, भगवान है ना, गोविंदो। इसीलिए तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण का। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सदाशिव है ये अपना मैटर को सप्लाई करता है, ये जगत को बनाने के लिए जो मैटर जरूरी है, महत्त्व तो डिवीजन होके कैसे कैसे आता है, शतगुण रजोगुण तमोगुण, शतगुण का विकार से क्या होता है, रजोगुण का तमोगुण का विकार से, ये सारे जो सृष्टि का निर्माण है, सारे मैटर जो है कौन सप्लायर है, ये सदाशिव, महत्व तो सदाशिव से आता है। अब ये प्रश्न आप करोगे, जो इतना दिन तक सृष्टि का पहले, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि का पहले ये सब मैटर जो है कहाँ छुपा के रखा था, महाविष्णु कहाँ रखा था, ये प्रश्न अगर आपका अंदर में आए तो क्या उत्तर होगा। जो लोग केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा है, जो लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा है उसको समझ में आएगा। एक मिसाल दे दे, एक बटवृक्ष, बटवृक्ष जानते हो ना, बेनियन ट्री, बटवृक्ष। एक बटवृक्ष का ये जो बीज है कितना सूक्ष्म है, ये बटवृक्ष का अंदर में जो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ दिस बिग ट्री, ये विशाल बटवृक्ष, ये जो 5000 साल का पुराना वृक्ष देखोगे पागल बन जाओगे। ये बटवृक्ष का जो पॉसिबिलिटी है वो शीट का अंदर एक बीज इतना सूक्ष्म है आंखों में देखना मुश्किल है, ये पॉसिबिलिटी सब इसका अंदर में है। सृष्टि का जो पहले जो ये बीज का रूप में भगवान का अंदर में था। और एक मिसाल दे दे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है उसके लिए आसान है समझना। डेंसिटी, कोई वस्तु, ध्यान दे, किसी वस्तु का डेंसिटी हम बढ़ाते रहे तो वॉल्यूम जो है घाटते रहे, वाइसी वर्सा। संस्कृत एनो तुम्हारा केमिस्ट्री में बोलता है प्रोपोर्शनेट टू वाइसी वर्सा, मतलब द मोर द डेंसिटी इज, जितना डेंसिटी बढ़ते रहेगा उसका वॉल्यूम उतना कमते रहेगा। इस विचार से तमाम ये जो धरती है, हमारा पृथ्वी है, इसका एवरेज डेंसिटी है, ये एवरेज डेंसिटी को हम इन्फिनिटी का ओर, ध्यान दे, समझ में नहीं आएगा, ये जो डेंसिटी है एवरेज डेंसिटी पृथ्वी का, इसको हम इन्फिनिटी का ओर अगर बढ़ाते रहे तो वॉल्यूम पृथ्वी एक पॉइंट में आ जाएगा। आई कैन शो यू वन पॉइंट, पृथ्वी पूरा पॉइंट में आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स का विचार है, तो इसका लिए फिक्र मत करो। विचार ये है, सदाशिव भगवान कृपालु है, दयालु है, और सदाशिव महाराज, सदाशिव से हमारा कैलाशपति शिव जी महाराज आए हैं। और शास्त्रों में ये विचार है, जैसे कोई कल्प में, शास्त्रों का विचार है, किसी कल्प में अगर कोई कोई जीव नहीं मिला तो भगवान को खोद ब्रह्मा का रूप लेना पड़ता। हमने ज़्यादा व्याख्या करने का समय नहीं है हमारा पास। किसी कल्प में अगर कोई योग्य जीव, क्वालिफाइड जीव, किसी कल्प में अगर कोई क्वालिफाइड जीव मिला तो भगवान इसको शक्ति संचार करके ब्रह्मा का जो पद है, ब्रह्मा पद में बैठा देता है, ब्रह्मा पद में बैठा देता है। इसका बारे में चतुश्लोकी भागवत का अंतिम श्लोक जो है ये देखो, इंतुसक में एतत् मतम समातिष्ठो परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्प से न विमुज्जित करिचित। ये किसके लिए बोला? ये जीव कोटि ब्रह्मा, ईश्वर कोटि ब्रह्मा नहीं। ध्यान दे इस विचार पर, थोड़ा गलती हो जाए पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये जीव कोटि ब्रह्मा है, एक जीव, क्वालिफाइड जीव, 100 साल तक वर्णाश्रम धर्मों को परफेक्टली पालन किया, शास्त्र में विचार है। ब्रह्मा पद को देने का बाद भगवान शक्ति संचार कर रहे हैं, शक्ति दे दे वो सृष्टि। ये जो अंतिम चतुश्लोक का अंतिम श्लोक जो है, ये जीव कोटि ब्रह्मा के लिए, ईश्वर कोटि ब्रह्मा तो स्वयं भगवान है। इसका लिए शिव तत्व भी ऐसा है, किसी कल्प में अगर कोई योग्य जीव नहीं मिला, क्वालिफाइड जीव नहीं मिला, तो एक जीव को शक्ति संचार करके भगवान शिव का जो तमगुण का अधिष्ठाती देवता का आसन दे देते हैं, कृपा करके शक्ति संचार। ये सकता है, ये जीव तत्व का अंदर है, जीव कोटि ब्रह्मा, जीव कोटि शिव। लेकिन जब भगवान खुद शिव का रूप पकड़ते हैं तो ये ईश्वर कोटि जीव का प्रसंग आता है। और एक बात ब्रह्म संहिता से एक श्लोक चर्चा करना चाहूँ, जब भी समय परमिट नहीं करे फिर भी हमको ये चर्चा किए बिना शांति नहीं मिलेगी, इसीलिए करना जरूरी है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पितगस्ति हेतु जसंभुतम अपि तथा सौमिपोति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बताया? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पितगस्ति हेतु जसंभुतम अपि सौमिपोति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ जो एनालॉगी, यहाँ जो तुलना किया गया, जैसे दूध को, ध्यान दे ये अंतिम श्लोक का विचार, आज टाइम नहीं मिलेगी। क्षीरम यथा दधि विशेष विकार योगात्, क्षीरम यथा दधि विशेष विकार योगात् संजायति न ही तथा पृथगस्ति हेतु ज संभुतमपि सौपैत कर्जात गोविंदमादि पुरुषं तमाम। ये श्लोक का विचार अगर ना समझे पूरा आज का चर्चा बेकार जाएगा। ध्यान से सुनिए, ऐसा है उदाहरण दिया, जैसे दूध को कि कैटलिस्ट, किस कैटलिस्ट है उसका साथ जो कर दो, ये धीरे धीरे दही बन जाएगा। तो दूध को दही बनाना हो सकता, दूध को कन्वर्ट कर दो, ये तो दूध ही है। लेकिन दूध अभी कोई विशेष विकार कैटलिस्ट, कोई की संयोग, किसी संयोग कर दिया इसका साथ, ये अभी दही बन गया। अगर हम कहे हमारा जो दूध है वापस दे दो, हम अगर आपका ऊपर प्रेशर क्रिएट करें, हमको दही नहीं चाहिए, हमको दूध दे दो हमको दूध वापस, आप क्या करोगे? ये संभव है क्या? दूध से दही बनाना संभव है, लेकिन दही से फिर दूध में जाना संभव नहीं है। ये एनालॉजी, ये जो एग्जाम्पल दिया है, इसका मतलब ये मत समझो, ध्यान देना। ये जो उदाहरण दिया गया ब्रह्म संहिता में, इसका मतलब ये नहीं कैन दैट गोविंदो कैन अंडरगो सम डिफॉर्मेशन एंड टेक द फॉर्म ऑफ शंकर, फाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा गोविंदो परात्पर अखिलेश्वर भगवान कैन अंडरगो सम डिफॉर्मेशन, सम रिएक्शन है, अब बाद में शंभु हो गया, ऐसा नहीं। इसमें जो कन्वर्शन, ये जो कन्वर्शन है, ये परिवर्तन, दूध को दही में परिवर्तन, इसको ये जो एनालॉजी, ये जो उदाहरण दिया गया, इसका माने ये है कॉज एंड इफेक्ट। ध्यान दे, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। कोई कर्म करने जाओ, किसी वस्तु कुछ हो रहा है, इसका पीछे देखना, हर जितना भी वस्तु है, तमाम दुनिया में जितना वस्तु है, इसका पीछे कारण का ट्रेस आउट करो। इफ यू ट्रेस आउट ऑल द रीजन, साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च इस बात का आधार पर है। जो अगर मैं किसी चीज़ का ऊपर रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो रिसर्च करने गया, जैसे उदाहरण दे, जेलियो कुरी, मादम कुरी, इन्होंने एक्सरे आविष्कार किया। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा बीटा गामा ये जो निकालता है, ये पहले किसी को पता नहीं था। जेलियो कुरी, मादाम कुरी, इंग्लैंड का इतना गरीब है साइंटिस्ट, इन्होंने आविष्कार किया। लंबा इतिहास अभी हम बताएंगे नहीं, समय नहीं है। इतना कहना चाहूँ कि जेलियो कुरी, मादाम कुरी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आविष्कार किया, और आविष्कार करने के साथ साथ ये जो कॉज एंड इफेक्ट इसके आधार पर किया। एक फिल्म को पीच ब्लेंड बड़ा एक फैक्ट्री का पीच ब्लेंड, इससे थोड़ा सा यूरेनियम निकाला, यूरेनियम से रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा निकालता है। यहाँ तक कि यूरेनियम का डिग्रेडेशन हो, यूरेनियम का अगर डिग्रेडेशन हो जाए तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम। यूरेनियम नीचे आ सकता संभव है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, कोई कर्म करे होए इसका पीछे कॉज एंड इफेक्ट चाहिए। ये कॉज एंड इफेक्ट को समझाने के लिए ऐसा बताया गया, जे भगवान श्री कृष्ण शंभू बन गया, भगवान श्री कृष्ण शंभू बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण कुछ रिएक्शन हो गया भगवान श्री कृष्ण का, उसका बाद विकार होके शंभू हो गया, ऐसा नहीं। सिर्फ इतना समझाने के लिए ये कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि भगवान का नाम है अच्युत है। बहुत सारे कहने का है, क्या कहूँ, भगवान श्री कृष्ण शंकर भगवान को इतना सेवा दिया है, इतना सेवा दिया है, किसी देवता को नहीं दिया। सारे देखो मायावाद प्रचार से लेकर सारे जो कुछ भी है, सारे सेवा शंकर भगवान को ही मिला है। अब ये प्रश्न आएगा आपका तरफ से, कभी कभी देखे जो शंकर भगवान ऐसा आचरण करे कि अपना असुर का पक्ष में किसी को वरदान दे दे, इत्यादि प्रसंग आता है ना। तो ये जो प्रसंग आता है इसका पीछे भी कोई रहस्य है, राज है। क्या है? जो इच्छा करके भगवान श्री कृष्ण जो सेवा देते हैं और शंकर भगवान जो आचरण करते हैं, इसका अनुसंधान करो, इसका पीछे अनुसंधान करो, देखोगे अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ भगवान। शंकर भगवान जो असुर लोगों को वर देता है, कुछ भी करता है, जैसे रावण को वर दिया, वृकासुर को वर दिया, ये जो वर देने वाला जो प्रसंग है, ये सब जो होता है, इसका पीछे रहस्य क्या है? भले शंकर भगवान का तमाम क्रियाकर्म टॉप टू बॉटम जो भी क्रियाकर्म करे, ऑल अकॉर्डिंग टू द अप्रूवल ऑफ भगवान। चाहे बाहरी दृष्टि में भगवान का खिलाफ है, फिर भी भगवान का अप्रूवल है, इसीलिए कर रहा है, क्योंकि परमवंश है। एक उदाहरण दे दे, रावण को वर दिया, फिर इसका बाद वृकासुर को वर दिया, और भगवान ने शंकर भगवान जो जब जब मुसीबत में फंसा है, जब मुसीबत में फंसा है, शंकर भगवान को बचाने के लिए भगवान दौड़ के आए। जैसे उदाहरण दे दे, विकासुर ने तपस्या किया मंदाकिनी नदी का किनारे हिमालय में, केदार क्षेत्रों में, और केदारनाथ भगवान को आराधना किया, आप आ जाओ, लेकिन आया नहीं। अपना शरीर से मांस को काटकर अपना आगुन में आहुति दे रहा है, फिर भी ना आ रहा है, भगवान आ रही ना। शंकर भगवान अंतिम में अपना शार्प वीपन अस्त्रों को लेके गले को काटकर आग में आहुति देने के लिए तैयार हो गया। शंकर आया, हाथ को पकड़ा, बेटा क्यों कर रहा है, क्या चाहिए तेरे को? पर हमको वर चाहिए। कौन सी वर? बोले जिसका सर पे मैं हाथ रखूं वो मर जाए। बोले कैसा बात है, ऐसा कैसा बात है, दूसरा कोई ले ले, नहीं हमको यही चाहिए, असुर है। अब क्या करे, ये असुर है, जिसका सर पे मैं हाथ रखूं वो मर जाए, ये वैसा। तो अंतिम में शंकर भगवान देने के लिए मजबूर हो गया, चलो, और शंकर भगवान का ही सर पे हाथ रखने के लिए विकासु दौड़ा, और शंकर भगवान ने दौड़ लगाया। शंकर भगवान का सर पे हाथ लगाने के लिए दौड़ा, शंकर भगवान दौड़ रहा है। अंतिम में दौड़ते दौड़ते कहाँ तक जाए, भगवान को पुकारा, भगवान मैं मुसीबत में फंस गया। अब भगवान ने प्रकट हो गया बोटुक ब्राह्मण के रूप में, अब बोटुक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया। अब इसका बाद भगवान ने ब्रिकासुर का, ए शकुनि नंदन क्यों दौड़ रहा है, इतना सुंदर शरीर है तुम्हारा, अरे टाइम नहीं है, अरे रुको 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 थोड़ा बता के जाओ, हम भी तो तुम्हारा समस्या का समाधान, क्या हुआ क्या, बोले ये भाग रहा है जबकि मेरे को वर दिया है और भाग रहा है। बोलो तुम तो जानते हो, हर आदमी जगतवासी जानते, ये शशान में रहता है पागल है, भोलेनाथ बाबा पागल है, तुमने क्यों है, तुमने क्यों इसका पीछे दौड़ा है, बोले परीक्षा करने के लिए। अरे क्यों, ये सब झूठा है, ये झूठा कहीं का, तुम अपना सर पे हाथ रख के तो देखो, ये झूठा है। तो अपना हाथ में भगवान का बातों में आ गया, अपना सर पे हाथ रखा, मर गया। ऐसे भगवान हर एक नहीं कितना उदाहरण में देते चलूं। और शिव तत्व का जो महिमा इतना गंभीर, इतना आनंदमय, ये पागल हो जाओगे सुन के। और ये जो भृगु मुनि का जो एक प्रसंग टाच करके छोड़ना चाहूँ, आज आप लोगों का भी विश्राम करना है। ये जो भृगु मुनि का जो साप है, जो व्यक्ति शिव जी महाराज का भजन करे, भजन माने सेवा करे, वो पाखंडी बन जाएगा। ध्यान दे, लिखा हुआ है भागवत में, शिवव्रतधारी, जो लोग शिवव्रत धारण किया वो पाखंडी बन जाएगा, वो साधु पद से बिखर जाएगा। लेकिन ध्यान दो, हम लोग सदाशिव का आराधना करते हैं, हम लोग गोपेश्वर महादेव का, सदाशिव का। कैसे, भले जो लोग ये जो सांप है, ये जो सांप है भृगु मुनि का, ये जो भृगु मुनि का जो सांप है, जो शंकर भगवान का भजन करे वो असुर बन जाएगा। ये जो प्रसंग है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, भले जो लोग शंकर भगवान को अलग सा सुप्रीम लॉर्ड समझा। आई बात समझ में, जो व्यक्ति, जो लोग शंकर भगवान को अलग सा एक देवता, अलग सा सुप्रीम लॉर्ड मान के चले, फॉर देम इट इज एप्लीकेबल, नॉट फॉर वैष्णव। क्योंकि वैष्णव लोग क्या, वैष्णव लोगों का विचार है वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान का जितना सारे सेवक है दुनिया में सबसे बड़ा ये शंभु शंकर भगवान है। इसी विचार से करो तो कोई दोष नहीं लगेगा, इसी विचार के अनुसार करो तो कोई दोष नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोगों का आराधना है सदाशिव का। जगतवासी जो शिव का आराधना करता है ये बंधन मिलेगी, वो नरक में जाएगा। उसका लिए तो भृगु मुनि का जो सांप है ये एप्लीकेबल है। कभी हम चर्चा करेंगे इस विषय में, इस विषय में। आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इधर कथा का विश्राम देने का विचार बना रहे। क्षीरम यथा विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पितगस्ति हेतु ज सम्भुतम उपि समुपैति कार्यात् गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी के चरणों में। महाराज जी ने, हालांकि मैंने शुरू में ही कहा था कि थोड़ा जटिल तत्व है वैष्णवों के लिए शिव तत्व, फिर भी महाराज जी ने हम सबको समझाया। तो भक्तों से प्रश्न है, भक्तों का जो भी प्रश्न हो शॉर्ट में। महाराज जी एक मेरा छोटा सा प्रश्न है कि ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम, जो आपने कहा कि ब्रह्मा को प्रेम नहीं मिला, ये बोलना गलत है, तो ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम क्यों बोलते हैं महाराज जी? ऐसा है, ये तो अगर आप, हाँ ये ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये दैन्यों का, ये जो दैन्यों का एक्सप्रेशन, अगर हम बोले शंकर भगवान को प्रेम नहीं मिला तो शंकर तत्व को हम ठुकरा दिया। शंकर भगवान को तो हर हालत में प्रेम मिला। ब्रह्मा को अगर भगवान ने, ब्रह्मा को अगर भगवान ने खुद आपका काम गायत्री दिया है तो इसका मतलब रसो तत्व का आराधना शंकर जरूर किया ऐ ब्रह्मा। तो ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम मतलब ये इतना सुदुर्लभ है, इसको विचार बनाने के लिए ऐसा बताया। इसका मतलब ये नहीं कि शंकर भगवान को प्रेम नहीं मिला। हाँ ठीक है, ये जो ब्रजवासी का जो गुप्त प्रेम है, ब्रजवासी का शंकर भगवान को यहाँ तक की लाख है, ये तो हम बता नहीं पाए, कभी हम चर्चा करेंगे। शंकर भगवान इतना लाकी है, इतना सौभाग्यवान है, शंकर भगवान को रास लीला का अंदर प्रवेश का भी इजाज़त मिला। ये मान सरोवर में ना कि हमारा टाइम नहीं है कभी हम बताएं, तो अगर हम पहले बता दे शंकर भगवान को प्रेम नहीं मिला है, ये मम्मा दुर्लभ प्रेम, ये भी आप समझ सकते हो। जो जो शिव तत्व का बारे में मैं बहुत गंभीर विचार किया, तो ये शिव तत्व का जो ओरिजिनल विषय है, आई बात समझ में, जो जीव तत्व जो है, जो जो ईश्वर कटी शिव, जीव कटी शिव, ईश्वर कोटि ब्रह्मा, शिव कोटि हैं, जीव कोटि ब्रह्मा का विचार जो है, ये सब विचार अगर करने जाओ, कभी कभी अगर शंकर भगवान का भी लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, अगर शंकर भगवान भी शूलोपानिशमो यदि अपराध करे उसका भी, ये जब जो लिखा है शूलोपानिशमा, अगर शंकर भगवान भी अगर अपराध करे उसका भी, इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान अपराध करे क्या? गिर जाएगा क्या? ये सब उदाहरण दिया है। इसलिए ऐसा अगर हम सोचे कि शंकर भगवान को प्रेम नहीं मिला, ये गलत बात है। शंकर भगवान को प्रेम जरूर। महाराज जी बहुत धन्यवाद। अमित जी आपका प्रश्न है, अमित यू हैव सेंट मी, मैं ये भी आपको कुछ स्क्रीन शेयर करना है तो मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, पूछिए प्रश्न महाराज जी से। जी धन्यवाद महाराज जी। हाँ 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 महाराज जी, मेरा ये एक प्रश्न है, ये हरिद्वार में पंडित लोगों ने पूछा है ये प्रश्न, ये भागवतम का श्लोक है 12:13-12 से बोलते हैं सर्व वेदांत सारम यत ब्रह्म आत्म एकात्म एव लक्षणम ना, ये भागवत में सर्व वेदांत स्वारम ही श्रीमद भागवतम ईश्वते, ये लोग तो अपना हिसाब से विचार बनाएगा। नहीं ये श्लोक है महाराज जी भागवतम में। हाँ हम जानता हूँ। आगे फिर बोलते हैं केवल्य एकात्म प्रयोजनम, इसी में ही आगे श्लोक में केवल्य एकात्म प्रयोजनम, यहाँ पर ब्रह्म और आत्मा में एकात्म दिखा रहे हैं और आगे बोल रहे हैं कि केवल मुक्ति ही ये हमारा प्रयोजन है। ओहो, तो ये क्या है महाराज जी? हाँ, ये बात अद्वैतवाद। वेरी नाइस क्वेश्चन। बात ये है, इसमें चक्कर ये है कि असुर लोगों को भागवत, ध्यान दे, भगवान को प्रेम करे, भक्ति करे कौन, ध्यान दे बात को, भगवान का प्रेम का रास्ते में, भगवान का भक्ति का रास्ते में, भगवान का नित्य स्थिति, भक्ति, भगवान, भगवान, भक्तो, भक्ति, तारे एक लाइन में है। भगवान का लिए जो प्यार करे भगवान रहेगा, भगवान का लिए भक्ति रहेगा, जो भक्ति कर रहा है वो रहेगा। मतलब ये है, ये तीन का सेपरेट एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली अचिंत भेदाभेद तत्व का अनुसार सिद्ध होता है। क्यों बोल रहा है भगवान साक्षात हरित्यन समस्त शास्त्री, फिर भागवत जी में बताया आचार्य माम बीजानियात, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गुरु जी साक्षात रासलीला करना शुरू कर दे, इसका मतलब है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ध्यान दे बात को, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व का अनुसार ये गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, जीव तत्व सारे, हमारा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया ना, एक श्लोक है, कभी हम समय हो तो चर्चा करेंगे इस विषय पर, तो उदाहरण दिखाएंगे भक्तिविनोद ठाकुर कैसे दिखाए। अब ये लोग जो हरिद्वार का पंडा जो कहना चाहे, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मैजिक स्पेल ऑफ माया देवी। माया देवी का इतना प्रभाव है, ये लोग ये श्लोक को ही चुना, ब्रह्म कैवल्य जो है, ये ब्रह्मों का साथ मिल जाना, यही मकसद है। ये भागवत में ये मायावादी विचार जो है, ये था इसका इंडिकेशन। इसको हम अगर अचिंत्य भेदाभेद तत्वों का द्वारा विचार करें, तो भक्तों लोग जो है साइमल्टेनियसली डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट, आई बात समझ में, जो भक्तों लोग, जैसे हम कीर्तन दे, एक कीर्तन सीधा नितायर चरण सत्य ताहारो सेवक नित्य, आई बात समझ में, ध्यान दे इस बात को, नितायर चरण सत्य ताहारो सेवक नित्य। अरे नितायर चरण अगर सत्य है और निताय का सेवक नित्य है, तो कैवल्य मिलके और जीवात्मा ब्रह्म बन जाए, ब्रह्म में समाज ब्रह्म सजुजो मच जाए, ये तो मायावादी का विचार है। हमारा विचार भागवत से अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा, अगर ये सब असामाजिक पंडित है, ये तो जगत के लिए जय जयकार हो जाएगा, ये तो चाहेगा ना, भगवान का भी ऐसा इच्छा है। लोग असुर लोग ऐसा ही करे, उल्टा समझे, उल्टा समझ के इधर चाहे, ए प्रयोजन है, दैट इज द फाइनल टारगेट मकसद है, इसको लेकर भड़क उल्टा रास्ता में जाएगा, भक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि भागवत में नारद जी महाराज, हमारा नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं जे राजन भगवान मुक्ति तक देना चाहता, लिखा है ददाते मुक्तिम स्मौनो भक्ति योगम, लिखा हुआ है। नारद जी महाराज कह रहे हैं महाराज हैरान करने वाला बात है, भगवान मुक्ति तक देना, मुक्ति ले जा मुक्ति, लेकिन भक्ति नहीं देता है। चैतन्य युग में लिखा है मुक्ति देन भक्ति ना देखे ना देन लाखेन लुकाइया, चैतन्य युग में। तो बेटा ऐसा है, वो मायावादी लोग ऐसा कहेगा। आप कभी अगर समय हो भागवत का जो 11, 12, 13 कौन सी अध्याय हमारा है, हाँ 12 स्कंद 11, 12, 13, ठीक है। कभी अगर समय हो तो इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। आप ये ध्यान रखना भक्त हो, इसको भूलना नहीं। आपका साथ भगवान का अगर सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहे तो प्रभुपाद कहते थे त्रिपुटी विनाश, प्रभुपाद ये शब्द यूज करते थे त्रिपुटी विनाश। अगर भक्तो भगवान और भक्ति तीनों मिल जाए, ये तो मायावादी विचार है, तो कौन किसको भक्ति करे? मैं अगर राम बन गया तो किस राम को पूजा करे? ये मायावादी विचार। तो ये लोगों का जो विचार है इसको सुनना नहीं, ये लोग बोलेगा मायावादी विचार। ये लोगों को अचिंत्य तत्व के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ये पाखंडी है, उधर जाना नहीं, उसका दर्शन नहीं करना। महापो बोला मायावादी दर्शन करने से कपड़ा का साथ सबको नहना पड़ेगा गंगा में, ये विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न अमित जी। नेक्स्ट हाँ। एक और प्रश्न है, अभ्रजीत घोष जी का प्रश्न है, तो अभ्रजीत घोष जी आप पूछिए। बताओ क्या प्रश्न है अभ्रजीत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। हाँ बोलছি যে আমাদের দেখা যায় বিভিন্ন মন্দিরে কখনো কালো রঙের শিব ঠাকুর এবং কোথাও সাদা রঙের শিব ঠাকুর, এই কালারের ব্যাপারটা একটু যদি বলেন। না কালারের ব্যাপারটা কিছু না, কালারের ব্যাপারটা এই যে কালো কৃষ্ণ, যেমন কৃষ্ণ বরাহ শ্বেত বরাহ থাকে, সাদা বরাহ সাদা শিবজিকে বিশেষ করে এই কনসেপশনটা থাকা দরকার যে কালো শিব যেটাকে বলা হয়, কালো শিবকে আমরা মনে করি এই যে কৈলাসপতি শিব বা এরকম ধরনের ধারণাটা রাখে। আর আমাদের সাদা শিব এটা রাখে অনেকে, এটা অনেকে এটা সংসারে রাখা যায় না। संसार का अंदर घर गृहस्थी में ध्यान दे, घर गृहस्थी का अंदर में सादा शिव सादा वाइट शिव को रखना नहीं है, ऐसा विचार आता है कभी कभी बोलता है। ऐसे तो कलर का जो डिफरेंस है इसमें तत्व का तो डिफरेंस होनी नहीं चाहिए। और हमारा गोपेश्वर महादेव काला है तो क्या सदाशिव नहीं है? ऐसा तो है। तो कभी कभी किसी का इच्छा होता है सदाशिव का, ऐसा विचार वो लोग सोचता है कि वाइट सदाशिव को सादा वाइट कलर का शिव पूजा करें। ऐसा कोई विशेष कुछ नहीं है, विशेष कुछ बात है ऐसा नहीं है। हाँ जी प्रभु जी पूछिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन হচ্ছে যে এই যে কেউ কেউ বলে থাকেন যে গোপেশ্বর মহাদেবকে হাফ পরিক্রমা করতে, মানে মন্দিরটায় হাফ গিয়ে আবার ফিরে সামনে চলে আসতে। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটার কারণ কেউ বলেন যে 3.5 पाक পরিক্রমা করতে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে हिंदी में बताए तो अच्छा है। ऐसा है कि शिव जी का परिक्रमा आधा क्यों है? इसके लिए है शिवजी में जल चढ़ाया जाता है, वो एक चैनल से निकालते हैं। अब उल्लंघन हो जाएगा इसका, जो निर्मल्लो इसका जो पानी का उल्लंघन हो जाएगा, इसीलिए प्रोहिबिटेड है। आधा परिक्रमा करने से शिवजी का परिक्रमा पूरा माना जाता है, क्योंकि वो जो चैनल है ना शिवजी का पानी है, इसके निर्मल्लो का उल्लंघन हो जाए। बहुत सारे भागवत में कहानी है, स्कंद पुराण में कैसे कैसे दुर्वासा मुनि ने अपना प्रभु का माला दिया था, इंद्र ने क्या किया, ये माला हाथी को दे दिया, हाथी ने क्या किया तोड़ के पैर में कुचाल दिया, और दुर्वासा मुनि ने शाप दिया लक्ष्मभ्रष्ट, तो लक्ष्मी भ्रष्ट हो जा। और एक बात है हरिद्वार में हरिकथा बोलते समय श्रील बामन गोसाई महाराज का एक भक्त हो, एक शिष्य है, सन्यासी है। इन्होंने मेरे को प्रश्न किया, महाराज हमारा गुरुजी बोलते थे जे शिव जी महाराज को तुलसी पाता दिया जाए, और आप क्यों तुलसी पाता नहीं दे रहे हो, आप बेल पाता दे रहे हो क्यों? हम बोला देखो हमारा दोनों का विचार अलग नहीं है, बामन गोसाई महाराज के विचार से मेरा विचार अलग नहीं है, फिर भी मैं ये सोचता हूँ बामन गोसाई महाराज ऊँचा पहुँचा हुआ संत है, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ। मैं सोचा कि अगर मैं तुलसी काटकर शिव जी का माथे पे दूं, हमको देख के दुनिया का पाखंडी लोग तुलसी को मोड़ के देना शुरू कर देगा। शास्त्रों में विचार है बिल पत्ता देने से शिव जी प्रसन्न हो जाता है। मैं बिल पत्ता देने का विचार किया, इसलिए मैं तुलसी देना कि लेकिन छुपके से मैं सदाशिव को हर वक्त तुलसी देता हूँ, अद्वैत गोसाई, लेकिन प्रकाश्य में तुलसी नहीं देता हूँ। क्यों? जब भी ये सदाशिव है फिर भी ये तो लिंग है ना, लिंगो, जब भी ये खराब बात नहीं है। शिव जी महाराज नाउ इन द फॉर्म ऑफ लिंगो, सो लिंगो फॉर्म में जब तक भगवान है तब तक मैं तुलसी देना नहीं चाहूँ। जब भगवान का कोई मूर्ति है, शंकर भगवान सदाशिव अद्वैत गोसाई का, तब खूब तुलसी डालो। जैसे पंचतत्व में गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत को, तीनों को तुलसी दिया जाए, सब विष्णु तत्व, लेकिन श्रीवास पंडित को, गदाधर पंडित को नहीं दिया जाएगा, याद है ना? तो इसलिए विचार अलग सा देख रहा है, लेकिन श्रील बामन गोसाई महाराज का साथ मेरा विचार अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है।